दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बीए सेकेंड ईयर की जनरल इंग्लिश के एसेस के फर्स्ट एसे वर्क एंड प्ले की स्टडी करेंगे जिसको हर्बर्ट रेड ने लिखा है। दोस्तों दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और इस चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। ये लेख हर्बर्ट रेड के 1964 में प्रकाशित एट्रोफीड मसल्स एंड एमटीआर से लिया गया है। इस लेख में वे कार्य व खेल के आपसी संबंध के बारे में बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं बताते हैं जिसका खुलासा अक्सर शक पैदा कर देता है। शुरू में वे हमें बताते हैं कि उन दिनों में जब कला ने हैरत अंगेज बढ़ोतरी की थी, लोग लगभग हमेशा ही मशगूल रहते थे और उनके पास बहुत ही कम खालिस वक्त होता था। लेजर शब्द का अर्थ अब पहले के अर्थ से बिल्कुल अलग था। उन दिनों में लेजर का अर्थ हमारे जीवन का वे समय था जब हमारे पास शारीरिक अथवा मानसिक रूप से करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। ये नज़रिया ख़ास तौर से तिजारती क्रांति के बाद बदल गया है तथा 18वीं शताब्दी के दूसरे मध्य तक के लोग लेज़र की वर्तमान विचारधारा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, मगर अब ये हर एक इंसान के लिए महान समस्या बन गई है क्योंकि हमारे पास जीवन में बहुत ज़्यादा खाली समय है। जब हकीकत में हम कुछ भी नहीं करते हैं और ये बिल्कुल साफ है कि हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह करें और क्यों। इसके परिणाम स्वरूप मानसिक व सामाजिक समस्याएं हो गई हैं। लेखक अपने विचार जाहिर करता है कि कार्य व खेल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है तथा दोनों ही समान रूप से हमारे जीवन के ज़रूरी अंग हैं। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का है। हम खाने तथा ख़रीदारी जैसे अनेकों कार्य पूरे दिन करते रहते हैं। हमारा समय कार्य तथा खुद का मनोरंजन करने में ही गुजरता है, मगर मनोरंजन का ये अर्थ नहीं है कि हम उन कामों में भाग ही लें। अनेकों मनोरंजन बिना भाग लेने वाले होते हैं। जब उनमें हमारे भाग लेने की ज़रूरत नहीं होती है और हम सिर्फ उनका आनंद ले सकते हैं, इस तरह हमारा जीवन दो प्रकार के कार्यकलापों में बट जाता है। मगर ये कोई संतोषजनक विभाजन नहीं है क्योंकि भाग लेने वाले व ना भाग लेने वाले मनोरंजन में फ़र्क करना आसान नहीं है। भाग लेने वाले व भाग न लेने वाले मनोरंजन का वही महत्वपूर्ण फ़र्क है जिससे कोई चीज़ कार्य या खेल बन जाती है और हमें दोनों में फ़र्क करना होता है। आज के ज़माने में भाग न लेने वाले मनोरंजन मशहूर हो गए हैं और इसी वजह से समाजशास्त्री बहुत फिक्रमंद हो गए हैं। खेलकूद में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है और ज़्यादातर समय ना भाग लेने वाले मनोरंजन में गुजरता है। इसका मतलब ये है ये रुझान हमें पुराने समय के समान क्रियाशील भागीदारी से दूर ले जा रहा है। इसका नतीजा दुबला शरीर तथा ख़राब स्वास्थ्य है। टीवी देखने जैसे केवल भाग ना लेने वाला मनोरंजन ही हमारे पतन की वजह बन गया है तथा ये दिमागी परेशानियां भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा टेलीविज़न के सामने घंटे गुजारना हमारे दिमागी अथवा कल्पना पर कोई स्थायी प्रभाव पैदा नहीं करता है, जबकि इसके उल्टा फुटबॉल खेलना, सीखना, नाचना, घुड़सवारी आदि भाग लेने वाले मनोरंजन हमारे शरीर व आत्मा को स्वस्थ रखते हैं। लेखक इस बात पर जोर देता है कि कला हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ये केवल तभी प्रभाव उत्पन्न करती है जब हम वास्तव में ये काम खुद करते हैं। संगीत, नाच गाना, घुड़सवारी आदि यकीनन ही शारीरिक व मनोरंजन रूप से हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं। मनोरंजन का ये पक्ष खेल कहा जा सकता है और हम काम के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर हम इस सच को अनदेखा करते हैं तो हमारा जीवन बोझिल तथा बेचैन हो जाता है। कार्य का एक सामान्य दृष्टिकोण यह है कि ये धन कमाने वाली क्रिया होती है, मगर वहाँ भी एक फर्क है। कुछ लोग खुद अपने हाथों से मेहनत करके धन कमाते हैं, जबकि दूसरे मानसिक कार्य द्वारा। दोनों में ही अंतर है, मगर एक चीज़ में वे बिल्कुल समान हैं। इनमें हमारा समय तरीके से कटता है तथा इससे हमें अपना खाली समय अधिक अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। इससे हमारे जीवन का खाली समय भी कम हो जाता है और ये हमें रचनात्मक ढंग से मशगूल रखता है। इस संदर्भ में विचार के काबिल एक और सच ये भी है, किसी व्यक्ति का कार्य अथवा पेशा दूसरे व्यक्ति का खेल अथवा मनोरंजन बन जाता है। अगर हम हफ्ते की छुट्टी में अपना कार्य बदल लेते हैं तो हम आनंद तथा मानसिक संतोष हासिल करते हैं, क्योंकि दिमाग व शरीर दोनों को ही आराम की ज़रूरत होती है। मगर इसमें एक ख़तरा भी है, क्योंकि कभी कभी वे लोग जिनमें उचित समझदारी नहीं होती समाज विरोधी कामों में लग जाते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी नुकसान की तलाश में रहते हैं। लेखक नाजी पार्टी का उदाहरण देता है, जिन्होंने बेकार शोर शराबा करने वाले लोगों को भर्ती करने की गलती की थी। कार्य के व्यवस्था के बिना सभी लोग आपस में मिल जाते थे तथा गलियों में समूह बनाकर अपराधी कामों में लग जाते थे। यही वजह है कि ऐसे समाज में जहां खाली समय बहुत होता है तथा पूर्ति के लिए कोई कार्य नहीं होता है, तो वे कुछ ना कुछ करने के लिए बेचैन हो जाते हैं और गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। हकीकत में क्रियाशीलता मानव शरीर से कुछ ना कुछ कार्य करने को मजबूर करती है और इस तरह समाज विरोधी कार्य से उसकी रक्षा करती है। और ये परिणाम निकाला जा सकता है कि काम तथा खेल में उचित संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। धन के लिए किया गया काम वर्क होता है, मगर जिस काम में धन हासिल नहीं होता है वे पीले होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।